हेलो हेलो। हाँ तो कल का दिन इसी गाड़ी में अंत हुआ था, आज का दिन यही शुरू हो रहा है। और आज मौसम बड़ा सुहाना, बारिश हो रही है नोएडा में। बताओ, ये तो एकदम रोमांटिक मौसम है। कहना तुम्हारी दादी याद आ गई मुझे यार, बड़ा सही लग रहा है। इतना तो मुझे बैठ के वैसे नहीं लग रहा, आंखों से जितना कैमरा दिखा रहा, कैमरा फेक दिखा हुई ज्यादा, इसलिए मुझे कैमरा पे भरोसा नहीं। घर से निकले और एमिटी वाली गलियों में ना, ऐसा कभी हो सके, लेकिन एमिटी अब खाली खाली है क्योंकि अभी कॉलेज बंद चल रहा है, वरना ये लेन जो है ना, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती, स्पेशली कॉलेज टाइम पे। और यहाँ आते मुझे हर्ष का पीजी याद आया, और तो कुछ नहीं। ब्रो मैं खाऊंगा कौन सा पराठा था वो ये बता मुझे जल्दी जल्दी। कबाब पराठा। मैं कबाब पराठा खाएगी। वैसे तो मेरा मन है चिक्स खाने का, बट आज मैं पराठे से ही काम चला लूंगा। सिर्फ पूरे घर में एक कैमरा खुला होना चाहिए, वो है चौधरी साहब का। तू नहीं खा रहा क्या? मैं नहीं खा रहा। लाइटिंग पे भाई, पता तू क्या छोड़ रहा है इस टाइम? 5 अक्टूबर के लिए डाइटिंग पे है तेरा भाई। 5 अक्टूबर क्या है? दशहरा। शिव दिन तेरे ही वध होगा क्या? इस बार तो वध ही होगा। यार तू पता नहीं क्या ही छोड़ रहा है। लो तुम खाओ, फैमिली को खिला दूंगा। लो फैमिली तो बिल भर है, बस फैमिली थोड़ी खाए। फैमिली तो बेचारी बिल भर है, पैसे घुमा रहे। भाई जल्दी निकलना, मेरा टाइम हो रहा है ऑफिस का, मैं पहुंचना भी हुआ है। चौधरी साहब क्या कर रहे हैं? इनको मौज मार रहे गाड़ी में बैठ के, एसी ऑन करके। किसके बलबूते पे? फैमिली के। इनकी को ना हट कर दिया तू, ये तेरी टंकी पूरी करवा देंगे डीजल की। करवा मैं तो कर दूंगा, ये को हट भाई, भरवा दो टंकी यार। तो इतना भी आदमी होगा वैसे? बिल्कुल होगा, इससे बहुत देर है। कहीं गाड़ी को यहीं छोड़ दो, नई गाड़ी लेके जाओ भाई। बताओ इतना तो मैं डिजर्व भी नहीं करता, इतना सजावट तो शेक पे। मेरे में ये बीच में दो एक्स अबे खा लिया ना मैंने, ना कल का टोपा ही नहीं है। तुम्हारे पे सबर नहीं हुआ बिल्कुल फैमिली को दिखाने के लिए? कैमरा खोलने को तो कह दिया। सब हमें किसकी वजह से मिल रहा? मेरी वजह से, फैमिली की वजह से। ये फैमिली का पैसा जो घूम के आ रहा। फैमिली के पैसे है। चीयर्स। चीयर्स। चीज याद आई अभी मेरे हाथ में, अभी कंघा था तो डैम बचपन में मम्मी बाल कैसे चिपका के बांध दिया करते थे यार, और उसी लुक के साथ हम लोग स्कूल चले जाया करते थे। फिर ये बोल रहे थे कि कभी भाव नहीं मिला, पूरे गिल्ले कंघे से बाल बहाए जाए करते थे, और बाल भी पूरे गिल्ले रह गए थे। अभी करके देख रहा कुछ, ये था मेरा अल्टीमेट प्राइम लुक, तो मतलब इससे भी गंदा था। अब तो ये फिर भी थोड़ा, हाँ ये ठीक है। ऐसे एक दिन ऐसे ही बाहर जाऊंगा, देखे कौन कौन लोग जज करें। जिन्होंने जज कर दिया वो मेरे दोस्त नहीं है। उतना बुरा हो नहीं पाया जितना मैं सोच रहा था, फिर भी काफी बुरा है। बाहर तो नहीं जाया जाने का यार, पहले ही कोई सीरियस नहीं लेता, इसे देख के तो ओढ़ने लेनी है। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। कैसी ठंडी सी शुरुआत है, थोड़ी अच्छी शुरुआत करनी चाहिए मुझे लक्ष्य की तरह। गुड मॉर्निंग। तो अभी का सीन ये है कि वही रोज की तरह हम सोच रहे कि नाश्ते में क्या खाना, 4-5 चीज ही रह गई हमारे पास खाने के लिए, जैसे पोहा हो गया, फिर ब्रेड, पराठे, 4-5 भी नहीं 3। तो आज इसमें सी शायद ब्रेड है तो ब्रेड बन जाएगी। और चौधरी साहब अभी तक उठे नहीं है, मैं भी अभी लेट उठा क्योंकि कल रात पता नहीं, हम तो कल रात तो ऐसी नींद आई भाई, मुझे नहीं पता चला 10-11 बजे के बाद मैं कहाँ था कहाँ नहीं। अब उठा मैं तो बिल्कुल 12 घंटे बाद। चलिए जैसे कि दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि अपने पीसी में जान देना। अब बटन दबाएंगे तो ये पीसी ऑन हो जाएगा। वैसे इसमें पूरे दिन, ओ यार धूल यार, एक ये समझ नहीं आता। ये देखिए, ओ शिट, मतलब पूरे दिन रूम आपका बंद रहेगा, सब कुछ पर्दे वर्दे सब लग रहेंगे, लेकिन फिर भी धूल आ जा। जैसे कि ये देखो, एक वाइट पीसी पे ये दिक्कत है कि हर जगह धूल रहे। ऐसा क्यों है कि कहाँ से आती है ये धूल? और ये बाहर यूएस अंग्रेजों के यहाँ क्यों नहीं आती ये धूल? उनके पीसी सेटअप चमकते रहते हैं, हमारे देख लो, कोस्टर पे पेन स्टैंड रख रखा, एसी का रिमोट पीला पड़ा हुआ, वाह सब कुछ अतरंगी है हमारे यहाँ। अरे भैया क्या बन रहा आज? ये तो सैंडविच बन रहा है। सैंडविचेस, मैं ये कह रहा कल रात भिंडी में तो मजा ही आ गया, कुछ अलग रेसिपी थी या मैंने जल्दी खा ली इस वजह से? जल्दी खा लिए थे इसलिए, कोई रेसिपी अलग नहीं था। वो है कि इस टाइम मेरे ख्याल से 7-8 बजे बनी थी तभी खा ली थी मैंने। ताजा खाना है ना, उसका कुछ टेस्ट अलग रहता है। मैंने शायद यहाँ पे दूसरी तीसरी बार खाया होगा शायद, इतना जल्दी बनते ही। आप लोग लेट से खाते ना इसलिए टेस्ट बदल जाता है खाने का। अजय भैया की मेहनत खराब कर रखी, टेस्ट बदल जा खाने का। और भी सुबह होती है तो घर की घंटी ऐसी बजनी शुरू हो जा, मैं आज अग नहीं बैठा था इतने ही एकदम से घंटी बजी, मैं सोचा जब ये आगे पहले निकल लूं या पहले खाने के लिए खोल लूं गेट, तो ये आया था। लेकिन अब ये पता नहीं क्या है, फ्रेजाइल लिखा है इस पे, खोल के देख लेगा कितना फ्रेजाइल है। अभी मुझे जैसे फ्रेजाइल लग रहा, तो ये चाकू से खोलना चाहिए या नहीं? ये तो गड़बड़ है, आराम से खोलेंगे। चलो ये तो बहुत आराम से कट गया, डायमंड तो नहीं लग रहा है चाकू पे, वही है सर्जिकल नाइफ।
तो कुछ अलग ही लग रहा, क्या चीज है यार, ये तो कुछ जेल सी लग रही, छोटी जेल। ओ अब समझ गया मैं क्या है, ये तो वही है जिसमें तुम्हारी मम्मी बंद करी जा, ये है माउस ट्रैप, ये शायद चूहे हो रहे होंगे, इन्हें पकड़ने के लिए मंगाया होगा, या फिर जब हर्ष उल्टे काम करे तब के लिए होगा, उसे सजा देने के लिए। इसे वापस अभी इसमें रख दो क्योंकि पता नहीं चलना चाहिए जिसने भी मंगाया है कि मैंने खोला था इसे, और घर के चूहों को भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये चीज आ गई। ये है सबका मालिक, ये अभी बता दूं वो। मैं अभी उठाऊं और जैसे ही मैं उठा मुझे घर में बड़ा शोर शराबा सा आ रहा, तो एक बार चल के देखते हैं कौन है ब्रो। स्नैपचैट लाइव में भी तो अभी मुझे सुनने में आया कि एमवीपी बंटाई ने अपना जो डिस लास्ट वाला निकाला था, शायद उससे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लास्ट वाला मचाएंगे फोर डिलीट कर दिया और स्टोरी पे डाल रहा कि भाई सीन बहुत गलत हो गया था, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, तो भाई इसको हार बोलते हैं ठीक है। और मैं बहुत दिन से ट्विटर वगैरह पे बड़ा एक्टिव था मैं सीन को लेके, तो वहाँ एमवीपी के फैन वगैरह थोड़ा ट्रिगर हो रहे थे, तो मैं उन्हें बता दूं यार मैं एमवीपी का फैन हुआ करता था एक टाइम पे, बट अब नहीं हूँ, उसके कुछ रीजन है, मैं नहीं मानता उसे अच्छा आर्टिस्ट, और बीफ वाले सीन में तो मैं उसे बिल्कुल भी अच्छा आर्टिस्ट नहीं मानता। ऑब्वियसली कृष्णा उससे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और लोगों के पास एक ही चीज है, मतलब एमवीपी के फैंस के पास ना, मैं आज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रहा, एक ही चीज है, ये सीधा बोलते हैं कि यार वो सेल्फ मेड आर्टिस्ट है। भाई हर कोई सेल्फ मेड है, हम भी, कृष्णा भी, रफ्तार भी, हर कोई सेल्फ मेड है, बट सेल्फ मेड का हर टाइम रोना करने वाले और उस जगह काम करके अपने आप को सेल्फ मेड प्रूव करने में बहुत फर्क होता है। हम पटेली दे ले रहे, शॉट ले रहे, हम सेल्फ मेड में बिना लेवल में बिना है, वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खूब क्लेम दे रहा हूँ वो भी गानों पे, कहने की बात है कि मेरे गाने फ्री टू यूज है, ऐसे वैसे सब क्लेम दे रहे हैं दबा के, सब पैसा कमा रहे हैं। इन बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे ने नहीं पता आर्टिस्ट कहाँ से कमा रहा, कैसे कमा रहा, कैसे इनका उल्लू बना रहा। और एमवीपी आगे इंस्टा स्टोरी पे रोया अपनी, एमवीपी ने अब पहले गाना डिलीट करा क्योंकि एमवीपी भी माँ बहन पे काफी बोला है लोगों की पहले डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो जब खुद के पे आ गए तो अब रो क्यों रहा। फिर इसके बाद बहुत से लोगों ने बोला कि यार पहले कृष्णा उसकी बंदियों पे गया था, उसके बाद एमवीपी उसकी माँ पे गया है सब कुछ। तो यार पहली चीज तो अगर एमवीपी इतना ठीक होता तो अगर सामने वाला गलत है तो उसको गलत रहने दो ना, आप ठीक रहते तब प्रूव होता, आप भी तो आपने भी तो उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोला। दूसरी चीज माँ बहन पे जाने वाला, कृष्णा ने लिरिकली, ये तो एक फैक्ट है कि कृष्णा के एक गाने के लिरिक्स एमवीपी का पूरा करियर बना देंगे, लेकिन कृष्णा ने लिरिकली एक आर्टिस्ट है तो उसने दिखाया कि आर्ट के फॉर्म में उसने डिस किया अगर वो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन एमवीपी ने क्लियर कट हेटफुल बोला, फ्रस्ट्रेटेड था एमवीपी गाने में, लास्ट वाले गाने में एकदम हेल्पलेस दिख रहा था, और इसीलिए फिर वो बाद में अपने इंस्टा स्टोरी पे रोया क्योंकि उसको बहुत हेट पड़ी उस गाने में, उसको 5.5 लाख लाइक पे 3.5 लाख डिसलाइक आए थे जो कि बहुत बैठ थे, मतलब 50% से ज्यादा डिसलाइक का मतलब बहुत हेट होती है कि लाइक यार लोग पसंद ही नहीं कर रहे आपको, तो उसको काफी हेल्पलेस फील हुआ। अब उसने स्टोरी डाली कि मैंने इसलिए डिलीट कर दिया, सीन कुछ और हो गया। नहीं भाई सीन कुछ और नहीं हुआ, आप पिछली बार लीच बन के चिपक गए थे रफ्तार को, आपने हार मान ली, आपने डिफीट अपनी एक्सेप्ट कर ली कि कृष्णा से आप नहीं जीत पाए, आप कृष्णा को नहीं नीचा दिखा पाए जो कि आप सोच रहे थे, जबकि कृष्णा बहुत क्रिएटिवली, मैं ये कहता हूँ अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपकी आर्ट दिखनी चाहिए। मैं बता दे रहा कि लोगों ने कहा कि एमवीपी माँ बहन पे गया, कृष्णा भी पहले उसकी बंदी पे गया, तो मैं इसे भी यही बात कह रहा था, लोगों को भी यही बात कह रहा कि एक बी ग्रेड फिल्म में भी एक बोल्ड सीन होता है, एक ए स्टारर मूवी में भी बोल्ड सीन होता है, भाई अक्षय कुमार की या शाहरुख खान की मूवी में भी बोल्ड सीन है, बट दोनों में फर्क है ना, क्रिएटिव उसको प्रेजेंट करने का फर्क है ना, वही चीज ए स्टारर वाली कृष्णा के साथ है और वही बी ग्रेड वाली एमवीपी के साथ है कि एमवीपी बहुत भद्दा गया, साफ साफ उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी, वल्गैरिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब एक चीज है कि अगर आप डिस कर रहे हो ना किसी को तो आप क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, आप मतलब किसी भी चीज के ऊपर बोल रहे हो क्योंकि डिस्ट्रैक्ट, जब आपका बीफ हो रहा है आप डिस कर रहे हो तो उसका कोई लेवल नहीं है। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जब जो डिस्ट्रैक्ट है ना उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, उनको हेटफुल में माना नहीं जाता, लेकिन क्यों नहीं माना जाता स्केच वीडियोस को डिस को, क्योंकि क्रिएटिविटी है उसमें, रोस्ट को मान दिया जाएगा एकदम हेटफुल में अगर आप किसी की माँ बहन पे जाओगे, बट आप एक गाने से एक म्यूजिक से जाओगे तो नहीं, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है, बट एमवीपी के गाने में क्रिएटिविटी कहीं से कहीं तक नहीं थी। मचाएंगे फोर इससे पहले उसने जितने भी डिस करे थे मैं कह रहा था कि हाँ फिर वो टक्कर दे रहा था, बट मचाएंगे फोर तो बहुत फ्रस्ट्रेशन थी उसकी, मतलब उसने अपनी इमेज यहाँ कर दी, सबड़े तो ना बनाता ना तो भी ये लोग कह देते कि हाँ कृष्णा को इसने टक्कर दे दी, यही छोड़ देता कि छोड़, और क्लाउड के पीछे एमवीपी भी था, नहीं तो एमवीपी
को पहले भी इन्होंने डिस किया था, तब भी मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया था कृष्णा को पिछली बार। और कृष्णा तो यार इतना शार्प है, इसने वो बनाया था जब मुंह फाड़ से बीफ हुआ था ना, तो इसने माँ कसम बनाया था, क्योंकि वो पूरे साल से हाइप बना रहा था अपने माँ कसम गाने के, मचाएंगे फोर बना दिया। तो कृष्णा एज अ बिजनेसमैन एज एन आर्टिस्ट सोचता है, और वो कृष्णा स्टोरी पे भी कुछ ऐसा पोक नहीं कर रहा था, लेकिन एमिवे की ना वो दिख रही थी, मतलब कोई एमिवे को सपोर्ट कर रहा था ना कोई चीज निकाल के एक्सपोज वाला इनका कलमकार का, तो एमिवे की ये हेट दिख रही थी। और हम बता दें कि ना हम अंकित खन्ना से कहीं एसोसिएट है, मेरी आज तक बात नहीं हुई, मेरी रफ्तार से जब बात हुई वो मीम वीम और बकचोदी को लेके हुई। और मैंने तो यार रफ्तार को भी कितनी बार तो हमने ट्रोल किया, मतलब जब भी हमें मौका मिला वो हाँ बहुत ट्रोल किया हमने, मैं बहुत बार रोस्ट भी कर दिया था मैंने तो। लेकिन यार वही है कि जब एक चीज चली ना, आप सारी चीजों को सेम स्केल पे मत जज करो। लोग कह रहे कि यार तो कलमकार, भाई मुझे कलमकार से लेना देना नहीं, मुझे रफ्तार के कमर्शियल गाने बहुत पसंद है, मुझे ये अपना कर्मा कर्मा के गाने, मुझे कर्मा जब मैं देहरादून में था तब से पसंद है, कर्मा के शुरुआत से बढ़िया गाने हैं हाँ सारे गाने, वो कभी भी बीफ में नहीं घुसता। फिर कृष्णा मुझे लिरिकली पसंद है, और ऐसा नहीं कि मुझे कृष्णा के सारे ट्रैक पसंद है, हम बहुत से गानों को कहते हैं भाई बेकार आया था बहुत। और एमिवे का सुना था रिंग रिंग, कितनी बार बजाते हैं हम एमिवे का, एमिवे के बहुत चार पांच गाने सुनते रहे, ऐसा नहीं कि हेट है यार उससे, सुनते हैं जहाँ वो ठीक है, बट पता वो लगे मुझे कि अगर कोई और होता ना, मान लो कृष्णा कोई और या एमिवे कोई और, तो इतना ना चलता, दोनों अपनी उसमें बढ़िया है, बढ़िया है दोनों अपने उसमें। अगर एमिवे का बीफ कृष्णा के अलावा किसी से होता ना, शायद एमिवे के सपोर्ट में होते उस टाइम। लेकिन अगर एमिवे यही वाला काम कर देता ना जो इसने कृष्णा के साथ किया, मैं मतलब वहां से मेरी बुद्धि सड़ी थी कि यार मैं एज एन आर्टिस्ट मैं नहीं ऐसे बंदे को सपोर्ट कर सकता फिर। और रफ्तार एमिवे वाले गाने, उसमें मैंने एमिवे के बहुत गाने सुने, अब भी मैं इसके बहुत सारे कमर्शियल गाने सुनता रहूं, लेकिन जो टट्टी है भाई टट्टी है, जहां तुम मतलब आप आर्टिस्ट अच्छे हो सको, बट आप आदमी एक नंबर के बेवकूफ हो, गधे हो, नजर आ रहा वो तेरे लिए भी सेम बात है। यो मीटर क्यों निकाल दिया भाई, अच्छा तेरे इसके कमरे में मीटर लगवा रहे हैं हम, थोड़ा सा बिजली को लेके हल्का सा डिस्प्यूट हुआ, ये कह रहा था कि मैं तो 25 पैसे की यूज कर रहा, बिल आ रहा आया 25,000 का, भाई पहले ही बता दिया 8 रुपए से ज्यादा नहीं दूं बिल्कुल भी महीने के, वो ये वोट कैलकुलेट कर लो रख रख के, 8 रुपए से 8 रुपए 25 पैसे भी नहीं दूं महीने के दूं यार, जो क्या है फ्रेजाइल, ये तो फ्रेजाइल मेरे उसकी तरह ही है एकदम, ये वो है तुम्हारी माँ का पिंजरा। अच्छा आगे क्या वो इनकी दादी थोड़ी किचन में ज्यादा कूद मचा रही, घर ट्रैप करके फेंक दी जाएगी बाहर फ्लैट से। मैं तो एक चीज बताऊं, उस टेबल पे हम इतने कम बैठ रहे कि कई दिनों से ये पैकेट ये यही और ये दोनों ऐसे ही पड़े बिल्कुल एग्जैक्ट, और मैं कई दिनों से ना ऐसे ही देख रहा, तो इससे पता लग रहा है कि हम डिनर डाइनिंग टेबल पर कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। डिनर तो कभी करते ही नहीं कभी, ये पता किस लिए है, कपड़े सुखाने।